नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रोल परमे के ऊपर कुछ सवाल कर रहे थे और रोल परमे में विविध का जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो रोल परमे के ऊपर है, तो उसके ऊपर विचार करते हैं हम। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 16 है विविध का। एफ एक्स बराबर में एक्स माइनस वन एक्स माइनस तीन दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू है ए 1 से 3। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये फलन किस टाइप का है। अब देखने में हमें ये गुणनखंड रूप लग रहा है, लेकिन जब हम इसको गुणा करके सरल करेंगे ना, तो ये हमारे पास एलजेब्रिक फलन है, बहुपदीय फलन है ये, ठीक है। तो इसको हम गुणा करते हैं, देखो क्या बनता है। इसको इससे गुणा किया एक्स स्क्वायर, इससे गुणा किया माइनस 3x, फिर 1 को इससे गुणा किया माइनस एक्स, और इसको इससे गुणा किया माइनस माइनस प्लस 3। तो एफ एक्स बराबर में हो गया एक्स स्क्वायर, 3x और x जुड़कर हो गए 4x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास फलन किस टाइप का हो गया, बहुपदीय फलन हो गया। और जो एलजेब्रिक या बहुपदीय जो फलन होता है, वो फलन अपने प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय भी होता है। इसलिए ये जो फलन है, ये इस अंतराल में आप इसमें से कोई सा भी मान रखो इसके अंदर, तो हमें एक अद्वितीय और निश्चित राशि प्राप्त होगी। इसलिए ये फलन क्या है, इस अंतराल में सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो हम लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या होता है, सतत व अवकलनीय होता है। अतः जो फलन एफ एक्स है वो सहवृत्त अंतराल 1 से 3 में सतत व विवृत्त अंतराल 1 से 3 में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। अब हमारी बात आती है तीसरी कंडीशन, एफ वन की वैल्यू निकालनी है और हमें एफ थ्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 1a और एफ बी, ये b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ रख दो तो क्या आएगा, एफ वन यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 गुणा 1 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 0। अब आप 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 4 गुणा 3 प्लस 3, 3 की पावर 2 9, 4 को 3 से गुणा 12 प्लस 3 12 और 12 0। इसका मतलब हमारी तीसरी कंडीशन जो थी वो भी क्या है, सत्य है। एफ वन की वैल्यू एफ थ्री के क्या है, बराबर है। तो हम इसका अवकलन निकाल लें एक बार, एफ डैश एक्स, तो इसका अवकलन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4 कॉन्स्टेंट 12 आ जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस 3 का अवकलन हो जाएगा, एचर पद का हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है। तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू 1 से 3 ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डे सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब वी एफ डे एक्स का मान ये है 2x माइनस 4, यहाँ C कर दो तो ये हो जाएगा 2C माइनस 4, तो यहाँ लिख दो आप 2C माइनस 4 बराबर 0, इसकी वैल्यू रख दी हमने, 4 उधर ले जाओ तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या ये 2 1 से 3 में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, 1 और 3 के बीच में क्या होता है 2 होता है, तो ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है 1 और 3 में बिलोंग कर रहा है। तो हम लिखेंगे अतः C बराबर 2 बिलोंग्स टू 1 3 के लिए एफ डे सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः जो फलन एफ एक्स है वो रोल परमेय को, एफ एक्स जो है वो रोल परमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसी का ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए भाग है। हमें दे रखा है आपको, यदि ये समझ आ रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो एफ एक्स बराबर में हमें दे रखा है एक्स माइनस 2 रूट एक्स, किताब आप सबके पास है ये, और एक्स बिलोंग है
जीरो से टू, मतलब x का मान जीरो और दो के बीच में लेना है। तो ये वाली वैल्यू होती है a की और ये वैल्यू किसकी होती है b की। मैं आपको रोल परमे से संबंधित सारे सवाल मैंने आपके करा दिए। एग्जाम्पल में कुछ रोल परमे के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको स्वयं करके देखने हैं, ठीक है। तो ये फलन किस टाइप का है कि आप जीरो और टू के बीच में, इसमें कोई भी मान रखो आपको, इसकी कोई क्या होगी फाइनाइट वैल्यू आपको प्राप्त होगी और अद्वितीय भी प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास फलन है ये क्या है, सतत है। तो हम ये लिखेंगे कि फलन एफ एक्स का मान अंतराल जीरो से दो के प्रत्येक मान के लिए निश्चित तथा अद्वितीय है। मतलब आप इस अंतराल में से कोई भी मान लो और यहाँ रखोगे तो इसकी एक क्या होगी, फिक्स वैल्यू आएगी। निकाल के नहीं दिखानी हमें खुद को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आएगी। आप वन लो, वन रखो या वन रखो तो निश्चित वैल्यू आएगी ना, माइनस वन है ना। तो एफ एक्स का जो मान है वो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु मान के लिए क्या है, निश्चित है तथा अद्वितीय है। तो हम लिखेंगे अतः जो फलन एफ एक्स है वो संवृत अंतराल जीरो से दो में सतत है। अब बात आती है अवकलन की, इसका आप एक बार अवकलन करो, ठीक है। डेस का मतलब हो गया अवकलन, इसमें दो और हैं, दो गुणा में है, ठीक है। तो इसको हम बाहर रखते हैं, रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो आएगा एक बटा दो रूट एक्स प्लस, फिर रूट एक्स को मैंने बाहर रखा और इसका अवकलन किया तो कितना हो गया एक माइनस जीरो, इसका वन हो गया, इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो इसमें लघुत्तम कितना आएगा, दो रूट एक्स लघुत्तम आएगा क्योंकि इसके बटे में तो एक है। अब ये माइनस जीरो है तो इसको ना लिखो और ये भी ना लिखो, अरे गुणा में केवल वन कर दो, ठीक है। तो ये आएगा एक्स माइनस दो प्लस, इधर इसकी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा दो एक्स, दो एक्स और ये एक्स जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीन एक्स माइनस दो बटा दो रूट एक्स एफ डेस एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ अंतराल हमें क्या लेना है, जीरो से टू लेना है, मतलब जीरो को हम शामिल नहीं कर सकते। देखो यदि जीरो शामिल होता तो यहाँ मैं जीरो रखता, यहाँ जीरो रखते ही क्या हो गया, ये रूप बन जाता जीरो माइनस दो बटा दो गुणा जीरो, ये बन जाता माइनस दो बटा जीरो, ये माइनस अनंत हो जाता है, अनिश्चित मान हो जाता ये, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती। लेकिन इस विवृत अंतराल में लेना हमें, तो इसमें जीरो तो शामिल होगा ही नहीं, और जीरो टू के बीच में फिर हम कोई यदि मान रखेंगे तो इसका कोई ना कोई मान हमें विद्यमान होगा, जीरो इसमें शामिल होता नहीं है। और हमें अवकलनीयता की कंडीशन क्या होती है, अवकलनीयता की कंडीशन में ये विवृत अंतराल लेके चलना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू जीरो से टू के प्रत्येक मान के लिए एफ डेस एक्स का मान विद्यमान है या मान निश्चित व अद्वितीय प्राप्त होता है, मान निश्चित व अद्वितीय प्राप्त होता है। अतः ये जो एफ एक्स है वो विवृत अंतराल जीरो से दो में क्या है, अवकलनीय है, ठीक है, जीरो से टू के अंदर ये क्या है, अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन है एफ ए बराबर में एफ बी, तो हमें एफ जीरो का मान निकालना है और एफ टू का मान निकालना है। देखो यहां जीरो रखो आप, जीरो माइनस दो रूट जीरो माइनस दो, रूट जीरो का मान होता है जीरो, जीरो को माइनस दो से गुणा की जीरो। अब आप टू रखो, टू माइनस टू रूट टू, टू में से टू गया जीरो, रूट टू गुणा करोगे तो क्या हो गया जीरो, इसका मतलब
एफ जीरो की वैल्यू जो है वो एफ टू के क्या है, बराबर है। तो तीसरी कंडीशन भी सत्य हो गई। तो अब क्या लिखेंगे, तो कम से कम एक बिंदु C belongs to 0 से 2 ऐसा विद्यमान होगा कि f dash c बराबर में 0। आपने f dash c निकाल रखा, ये रहा देखो ये रहा, तो ये हो जाएगा 3c-2/2√c बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बेटा मैं एक करके क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो इसकी दरगुना होगी, तो 3c-2/0, 3c/2, c की वैल्यू आ गई 2/3, और 2/3 बिलोंग करता है 0 से 2 में, बिल्कुल करता है। देखो 0 से 2 है, 2/3 का मतलब क्या हो गया, भाग दे दो 6, 18, 2, 6 लगभग 0.66, और 0.66 जो होता है वो बिलोंग करता है 0 से 2 में। तो हम लिखेंगे अतः c बराबर 2/3 बिलोंग्स टू 0 2 के लिए एफ डैश सी का मान बराबर है 0 के। तो फिर हम लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः एफ एक्स जो है वो रोल प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। रोल प्रमेय खत्म होने के पश्चात अब हम बात करते हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय। रोल प्रमेय और लांगराज मध्यमान प्रमेय में सिंपल सा अंतर है जो कि मैं अब आपको बता दूंगा इसमें। तो बात करते हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय, इसको हम बोलेंगे लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो क्या बात आती है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई क्वाड्रेंट है और इसमें ग्राफ हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये वाला बिंदु हमारे पास है x=a और ये बिंदु हमारे पास x=b। यहाँ x=a के लिए यहाँ मान है एफ ए यहाँ तक, और ये x=b के लिए यहाँ पर मान है एफ बी। तो लांगराज प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई फलन एफ एक्स, ये जैसे फलन है जिसका हमने ये ग्राफ बनाया है, ये फलन एफ एक्स, तो वो कहता है कि यदि किसी अंतराल a से b में एक फलन एफ एक्स ऐसा विद्यमान हो कि वो फलन उस अंतराल में क्या हो, सतत भी हो, मतलब कहीं ग्राफ टूटे ना, केवल अंतराल की बात हो रही है, उस अंतराल में क्या हो, सतत हो, और विपरीत अंतराल में अवकलनीय भी हो, तो कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा इस ग्राफ के बीच में, कहीं भी एक बिंदु ऐसा जरूर विद्यमान होगा सी बिंदु कि जहां पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे ना, वो स्पर्श रेखा एफ ए और एफ बी को मिलाने वाली जो रेखा, उस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। ये प्रमेय है हमारी लांगराज प्रमेय, और ये हमें सी बिंदु फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैं लांगराज प्रमेय पूरी लिख रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में लांगराज प्रमेय का प्रकथन पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, बोलते हैं डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम, तो हमें उस लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या स्टेटमेंट है, तो हम लिखते हैं कि कोई फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए से बी में इस प्रकार विद्यमान हो कि फर्स्ट कंडीशन कि फलन एफ एक्स जो है वो संवृत अंतराल ए से बी में सतत हो। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी रोल थ्योरम की भी थी। सेकंड कंडीशन कि जो फलन एफ एक्स है वो विपरीत अंतराल ए से बी में अवकलनीय हो, ठीक है, क्या होनी चाहिए, अवकलनीय होनी चाहिए। ये कंडीशन रोल में भी थी,
तो कम से कम एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी ऐसा विद्यमान होगा कि, तो कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। देखो रोल प्रमेय में और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या अंतर है, ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है। उसकी तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि एफ ए एफ बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उसकी फोर्थ कंडीशन क्या थी कि सी बिलोंग्स टू ए बी ऐसा होना चाहिए कि एफ डे सी किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। ये तो थी रोल की कंडीशन। लैग्रांज में क्या है, उसी तरीके से सतत होना चाहिए, उसी तरीके से अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें नहीं है। और फोर्थ जो कंडीशन है उसमें वो कहता है कि कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होना चाहिए ए बी में कि एफ डे सी जो है वो बराबर होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के। मतलब एफ डे सी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेन बात ये आती है, ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि सी बिंदु के ऊपर, इस सी बिंदु के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये प्रवणता इस बिंदु के ऊपर खींची गई प्रवणता, और यहाँ पर आप इसको इससे मिलाओ, ठीक है। तो देखो ये जो दूरी थी एफ बी है और यहाँ तक ये दूरी क्या है एफ ए है, तो ये अंतर कितना हो गया, ये अंतर हो गया एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, ये वाली अंतर। और यहाँ मूल बिंदु जीरो से लेकर ये जो दूरी है ये कितनी है बी, ये दूरी कितनी है बी, ये वाली पूरी दूरी यहाँ बताता हूँ आपको, ये पूरी दूरी है बी और ये पूरी दूरी है ए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होगी, पूरी बी में से ए घटा दो तो ये दूरी आ गई, तो ये दूरी होगी बी माइनस ए। अच्छा इस रेखा की ढाल कैसे निकलेगी, ए एफ ए को एफ बी से मिलाने वाली रेखा की ढाल, तो ढाल होती है टेन थीटा लंब बटा आधार। अब यहाँ लंब देखो कोण के सामने वाली ये भुजा लंब होती है, ये आधार है तो लंब हो गया एफ बी माइनस एफ ए बटा आधार हो गया बी माइनस ए। तो ये जो है ये ढाल है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट किसका है, इस लाइन का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सी बिंदु इससे जाने वाली ये जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा, इसकी ढाल है एफ डे सी। तो ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है, लैग्रांज ये कहता है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है वो ढाल इसके बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर विद्यमान होगा जिसके ऊपर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसकी ढाल और इसकी ढाल क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इस इनकी जो प्रवणता है वो बराबर होगी, मतलब इनका टेंजेंट है जो वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, ये दो बातें तो हम रोल प्रमेय में सीख ही चुके हैं, ये एक नई बात हमें समझनी है। अब बात आती है लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का, ये क्या है, आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, और यदि आपसे स्टेटमेंट पूछे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, पूरा का पूरा इस तरीके से लिखना है। और यदि आप इसका डायग्राम बना सकते हो इस टाइप का तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यदि आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो बात आती है 7.6 में, 7.6 में हमारे रोल परमे के सारे क्वेश्चन हो गए थे। 7.6 का तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक बटा एक्स, और हमें अंतराल दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एक से तीन, और हमें इस अंतराल में क्या करना है, इसकी जांच करनी है कि क्या ये लैग्रांज प्रमेय को सत्यापित करता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह आती है तो कि आप यहाँ एक से तीन के बीच में इसमें कोई भी मान रखो, इसका फिक्स कोई मान जरूर आएगा, मतलब हम ग्राफ बना सकते हैं इसका। तो हम ये लिखेंगे कि फलन एफ एक्स अंतराल एक से तीन के प्रत्येक मान के लिए
प्रत्येक मान के लिए निश्चित तथा अद्वितीय प्राप्त होता है। मतलब फलन fx का जो मान है, यहाँ फलन fx का मान अंतराल 1 से 3 के प्रत्येक मान के लिए क्या है, निश्चित और अद्वितीय प्राप्त होता है। अतः फलन fx संवृत अंतराल 1 से 3 में क्या है, सतत है। ठीक है, सेकंड बात आती है, इसका अवकलन करो आप f डैश x, x का अवकलन हो गया 1 प्लस 1/x का करोगे अवकलन तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1/x है, इसको पहले आप ऊपर ले जाओ तो ये पावर बन गई, और इसका अवकलन करोगे तो -1 x^-1 -1 हो जाएगा, 1 कम हो जाता है, -1 x^-1 -1 जुड़कर -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/x^2। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 1/x^2। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इसका मान 1 से 3 के बीच में यहाँ कोई भी मान रखें तो ये क्या इसका निश्चित मान प्राप्त होता है। तो आप रख के देख लो, 1 तो आपको रखना नहीं है, आपको मान रखना है 1 से 3 के बीच में, तो जरूर आपको कोई निश्चित मान जरूर प्राप्त होगा। तो हम ये कहेंगे कि f डैश x का मान अंतराल 1 से 3 के प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है, प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है। अतः जो फलन fx है वो विवृत अंतराल 1 से 3 में अवकलनीय है। मतलब उस फलन में, वो अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो कम से कम एक बिंदु C belongs to, अंतराल दिया हुआ 1 से 3, 1 से 3 में ऐसा विद्यमान होगा कि, तो देखो जो रोल करते थे उसमें हम तीसरी कंडीशन एफ ए और एफ बी निकालते थे, इसमें हमें कंडीशन नहीं निकालनी है, केवल क्या करना है, तीसरी कंडीशन लेके चलनी है। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। एफ डे सी, बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 - 1 एफ 3 - एफ ए, ए का मान कितना है, 1। यहाँ हमें f 3 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए और f डैश c चाहिए। तो देखो f 1 की वैल्यू निकालो आप पहले, तो ये फलन दिया हुआ है तो यहाँ f 1 की वैल्यू निकाल लो आप, 1 + 1/1 x की जगह 1 रख दो, यहाँ 1 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2। f 3 की वैल्यू निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1/3। ठीक है, 3 लघुत्तम ले लो, इसको गुणा हो जाएगी तो 9 + 1, ये कितना हो जाएगा, 10/3। तो हमने ये सारे मान निकाल लिए, ये f डैश c का मान यहाँ हो जाएगा, f डैश c, ये देखो 1 - 1/c² 1 - 1/c² ये सारे के सारे मान आप इसमें रख दो। इसको सरल करने पे जो c का मान आएगा वो c का मान 1 और 3 के बीच का होना चाहिए। यदि ये मान 1 और 3 के बीच का होगा तो हम कह देंगे रोल प्रमेय सत्य, नहीं तो कह देंगे ये रोल प्रमेय क्या है, सत्यापित नहीं है। तो इसके लिए स्पेस चाहिए हमें, ये इतना सेम टू सेम करना है हमें, इसके पश्चात ये लिखना है। तो देखो हम मान रखते हैं 1 - 1/c² बराबर 10/3 - 1/3। ये हमने सारे मान रख दिए, इसको सरल कर लो, 1 - 1/c² ये हो जाएगा 2, यहाँ लघुत्तम आएगा 3, 10 - 3। ठीक है, 1 - 1/c² ये हो जाएगा 7/3, इस हर वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2।
सात ये हो जाएगा छः, ये हो जाएगा वन माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो एक बटा सी स्क्वायर बराबर में हो गया सात बटा छः, ये इधर गया ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस सात बटा छः, ठीक है ना। तो इसको और सरल करते हैं हम, क्या आएगा, तो जब हमने ये मान निकाले थे दस बटा तीन है ना, उसमें एफ वन का मान कितना निकाला था, एफ वन का मान निकाला था वन प्लस एक बटा वन, वन प्लस वन टू निकाला था, और यहाँ हमने वन लिख दिया है गलती से, यहाँ कितना आएगा टू आएगा, तीन को टू से गुणा होगी तो यहाँ कितना आएगा सिक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, इसको काटोगे तो टू आ जाएगा, तो ये आएगा दो बटा तीन, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई हमें मान रखने समय, यहाँ मिटा दिया था हमने मान, इसको इधर ले जाओ इसको इधर लाओ, तो एक बटा सी स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस दो बटा तीन, तो एक बटा सी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा तीन लघुतम, तीन माइनस दो ये हो जाएगा एक बटा तीन, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीपल करो आप तो क्या आएगा सी स्क्वायर बराबर में तीन, तो सी बराबर में क्या आएगा प्लस माइनस वर्गमूल तीन। अच्छा वर्गमूल तीन का मान कितना होता है, एक पॉइंट सात तीन दो होता है, एक और तीन के बीच में एक पॉइंट सात है ना, इसका मतलब प्लस का तो है माइनस का नहीं है, तो हम सी बराबर में माइनस एक पॉइंट सात तीन दो बिलोंग्स टू एक तीन तो ये तो नहीं है, लेकिन सी का मान एक पॉइंट सात तीन दो है ना, ये बिलोंग करता है एक से तीन में, तो इसका मतलब सी का मान इसमें आ गया, तो हम कहेंगे अतः सी बिलोंग्स टू वर्गमूल तीन, नहीं सी बराबर में वर्गमूल तीन बिलोंग्स टू एक तीन के लिए, एफ डे सी बराबर में एफ तीन माइनस एफ एक बटा, या बी भी लिख सकते हैं बी माइनस एक बटा बी माइनस ए, ये सत्य है। अतः जो फलन एफ एक्स है वो लांगराज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। समझ में आ गई होगी, जिस तरीके से रोल प्रमेय है उसी तरीके से हमारे पास ये जो लांगराज थ्योरम है, तो इससे जो शेष क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।